भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस नाचीज को कृष्णन कहते हैं एंड आई एम फ्रॉम कुवैत। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का ये शो आपको भरपूर आनंद देगा। इस शो को आप तक पहुंचाने में दो ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा योगदान है। दे आर लेज़निका क्रिएटिव मीडिया एंड साज और आवाज, हु हैव गॉट टुगेदर हैंड इन हैंड टू मेक दिस पॉसिबल। लेज़निका क्रिएटिव मीडिया के जाने माने हस्ती हैं लेज़ली, जिन्होंने पहली बार कुवैत में जी क्लोजअप अंताक्षरी शो ऑर्गेनाइज किया था और जिसके बदौलत कुवैत की टीमें दुबई गईं फॉर द गल्फ स्पेशल एपिसोड ऑफ जी क्लोजअप अंताक्षरी। आई एम श्योर आप सबने इस शो को टीवी में जरूर देखा होगा। साज और आवाज का तो नाम सारा कुवैत जानता है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट नॉट ओनली हैज इट्स ऑर्केस्ट्रा बट ऑल्सो प्रमोट्स द लोकल टैलेंट्स ऑफ कुवैत। साज और आवाज की जानी मानी पहचानी हस्ती हैं हमारे श्री अनवर हुसैन। हमारे इस शो में हिंदुस्तान के उभरते गायक गायिकाएं श्री गजेंद्र सिंह और श्री ओपी नैयर जैसे महान पर्सनालिटीज को कुवैत में पेश करने में अगर लेज़निका क्रिएटिव मीडिया की अहम भूमिका है, तो साज और आवाज भी अपने म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस के जरिए इनके गीतों को के शो में आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि इन इंडियन आर्टिस्टों के साथ हमारे कुवैत के म्यूजिशियंस सपोर्ट देंगे और किस तरह से देंगे ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। एंड आई वांट यू टू गिव देम अ बिग हैंड, अ लाउड हैंड फॉर दिस। दे हैव रियली बीन पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स टू सपोर्टिंग द इंडियन आर्टिस्ट्स। एंड नाउ विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू अ वेरी लवली एंड अ चार्मिंग यंग लेडी who will be your colorful hostess for this magnificent evening. The star of numerous TV serials, I'm sure you must have seen all of them, like Chahat aur Nafrat, Vansh, Dam Damadam, Ghao, and she is also starring in an untitled film which is due for release in January with the brawn man Sunil Shetty, and her name is Pooja Seth. Ladies and gentlemen, please welcome Hi. Pooja Seth. It's all yours, Pooja. Thank you so much. Thank you. Hi, I am Pooja and I'll be the host for you all tonight. We've come all the way from India to make this evening a memorable experience for all of you and to take back memories which we're going to cherish throughout our life. I would just request all of you to please be with me, because without your support, we cannot enjoy this evening today. अब मैं आपके सामने उन सभी कलाकारों को बुलाने जा रही हूँ जो बॉम्बे से कुवैत आए हैं आपके सामने परफॉर्म करने के लिए। दे डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। वो लोग सभी अपने अपने फील्ड के जाने माने कलाकार हैं, बट आई हैव टू फॉर्मेलिटी तो करनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने बुला रही हूँ एक ऐसे सिंगर को हु वॉज द बेस्ट सिंगर व्यूअर्स चॉइस ऑफ TVS सारेगामा 100th एपिसोड। ही इज लर्नड हिज क्लासिकल सिंगिंग फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर and he's done her proud. He's like a live wire. You have to see him to believe him. Please welcome Tyagraj. दुनिया के हर कोने में छुपा हुआ टैलेंट तो होता है, लेकिन कभी किसी को आगे आने का मौका नहीं मिला। टीवी के बूम से, जी टीवी के माध्यम से, TVS सारेगामा के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे छुपे हुए टैलेंट को आगे आने का मौका मिला। इनटू द वर्ल्ड ऑफ इट एक्टेड लाइक अ प्लेटफॉर्म इनटू द वर्ल्ड ऑफ मीडिया एंड ग्लैमर। उनमें से एक सिंगर है हु वाज द विनर ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ TVS सारेगामा, वेयर शी वाज स्पॉटेड बाय अ ग्रेट फिल्म मेकर एंड शी लैंडेड अप विद हर फर्स्ट ब्रेक एज अ प्लेबैक सिंगर विद करीब। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम संजीवनी।
The next artist, a cute, light-eyed boy who came to Bombay from Calcutta a couple of years back. And can you believe it? He got his first break within 7 days of landing in Bombay by Mr. R.D. Burman. And before he comes on stage, or before I call him on stage, I would request all the young, beautiful girls not to let his eyes fall on them. Otherwise, he's going to start singing on the streets of Kuwait. Wo kaun thi, nazar mila ke jaan le gayi jo. Please welcome Jojo! One man, with his effort, hard work, dedication or lagna se, has got complete entertainment for you in the form of close-up Antakshini, and also given a platform for a lot of young people, for a lot of new talent to come up and get into the world of media and glamour. Examples being Sanjeevni and Tyagraj. Please welcome the maker of close-up Antakshini and TVS Saregama, Mr. Gajendra Singh. As we all know, we are here together to honor a great legend, a music composer whose music was one of its kind. It was always evergreen and will remain evergreen for generations to go. हमें बहुत खुशी है, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज वो हमारे बीच में हैं और हम खड़े होकर आज हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं. I would please request Tyagraj, Sanjeevni and Jojo to sing a few lines to welcome him. चैन से हमको तभी आपने जीने ना दिया, जहर भी हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है. आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर नहीं मिलता, आंखों में किसी
जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। खुले के पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। खुले के पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। I would now request Leslie, the man behind the show today. Please welcome Leslie. Anwar ji, please aaiye. He's the captain of the Saaz aur Awaaz group. Agar aaj ka music aap tak pahunch raha hai, badaulat inki. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा घृत कस्य स्विधनम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र तेन त्वया ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। ॐ सहनावतु सहनाभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। शांति 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 है। अब जबकि दिया लाइट हो गया है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि नय्यर साहब के ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द शो नाउ। आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये शो तो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। आई वॉन्ट, we all want from the entire team, we want you all to enjoy yourself, completely freak out. Freaking out also means masti, jawani, alertpan, and that is the theme of the show tonight. So over to Tyagraj to start. Before that, I would request Leslie to say a few words. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Mr. Gajendra Singh and Mr. O.P. Nair for being here, and all the guests like Jojo, Tyagraj, Sanjivani and Pooja. And again, thank you and have a good evening. Gajendra ji, can you please tell us, aapko TVS Saregama ka idea kahan se mila? Itna nek, itna beautiful, itna achha kaam karne ka idea kahan se mila? Doston, sabse pehle to aap logon ka swagat karta hoon. Puri Z Network ki taraf se, Close Up Antakshari team ki taraf se, सारेगामा टीम की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। पूजा जी ने पूछा कि टीवीएस सारेगामा का आइडिया कहां से मिला। एक्चुअली क्या हो रहा था, जब मैं इस लाइन में एंटर किया तो देखा कि लोग कार्यक्रम करते थे, कोई सोप हो रहा था, कॉमेडी सिटकॉम सीरियल इस तरह के बनते थे, लेकिन नए टैलेंट को लेकर के कुछ नहीं किया जा रहा था। और मैंने, क्योंकि मेरे पिताजी इस लाइन में थे, तो मैंने देखा था कि लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉयट होते हुए, और देश में जब मैं कॉलेज के दरमियान था तो काफ़ी प्रतिभाएँ देखी थी, तो सोचा कि क्यों ना इस तरह के प्रोग्राम शुरू किया जाए। मुश्किलाहट तो बहुत पैदा हुई, मतलब एक लंबी कहानी, एक लंबा सफ़र है जिसको यहाँ पे बताना शाम ख़त्म हो जाएगी।
बहरहाल मैं आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बात कहना चाहूंगा कि कलाकार कितना भी बड़ा हो, जब तक आप लोगों का प्यार नहीं मिलता है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं हैं। आप ही लोग होते हैं जब उसको आसमान पे रख देते हैं, जमीन पे रख देते हैं। अच्छा बुरा फैसला हम अपना कर्म करते हैं, डिसाइड आप लोग करते हैं। तो आज की शाम भी ध्यान से सुनिएगा, ये वो शाम नहीं है सिर्फ जिसमें मनोरंजन है। नैयर साहब को देख पाना अपने बीच में मेरे को लगता है कि एक बहुत ही दुर्लभ मतलब क्षण है, अवसर है हम सभी के लिए कि नैयर साहब जैसे हस्ती अपने बीच में आ जाएं। इनको लाने के लिए बहुत ढेर सारी सब लोगों ने मेहनत किया, लेजली अनवर साहब पूरी जो टीम जुटी हुई यहाँ पे, सब लोगों का बहुत ही अथक प्रयास था कि नैयर साहब जैसे हस्ती यहाँ पे आए। तो मैं फिर से नैयर साहब का धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि हम जैसे नाचीज लोगों के बीच में आ करके उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है। और पूरी आप लोगों का थोड़ा सा लिबर्टी लेते हुए मैं कहूँगा कि हम सभी की तरफ से नैयर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आज की शाम शुरू करते हैं। थैंक यू गजेंद्र जी, पूरे ऑडियंस की तरफ से इतने ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स के लिए थैंक यू सो मच। नैयर साहब प्लीज दो शब्द कहिए प्लीज। फ्रेंड्स, मुझे भाषण देना नहीं आता लेकिन मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हम लोगों की इज्जत अफजाई हौसला अफजाई की आपने। कोशिश करेंगे कि आपका मनोरंजन हो और आप लोगों का प्यार कुवैत में आके देखा तो यही लगता कि कुवैत में मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ। इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। नैयर साहब थैंक यू सो मच।